दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो गया हूँ आप सभी के सामने। आज हम बनाएंगे गाजर का स्टेप बाय हलवा। स्टेप आप पूरी वीडियो को देखें और घर में भी इतना बेहतरीन हलवा बनाएं और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना हलवा का टेस्ट। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, हमने गाजर को ग्रेट किया है इस तरह से। आप लोग भी इस तरह से करना। प्रेशर कुकर में बॉयल किया है, 2 सीटी लगानी है, अच्छे से गाजर गल जाएगा और इसके बाद हम इसका तड़का बनाएंगे। तड़के से पहले मैं आ देता हूँ हम क्या क्या ऐड करने वाले हैं इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं हमें मावे की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसमें मावा यूज़ करेंगे और हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट करेंगे ऐड टेस्ट के लिए और हेल्थी फैट के लिए, और हम साथ में घी ऐड करेंगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमने गैस ऑन कर दिया और अपनी कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा सा घी को गलने देंगे और यदि थोड़ा कमी बेसी होगी तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं और अभी भी हम थोड़ा और डाल सकते हैं। तो घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमने 2 टेबल स्पून और डाले हैं घी के ऐड करे। मुझे थोड़ा घी कम लग रहा था, आप भी अपने अनुसार डाल सकते हैं। और हमारा घी गर्म हो चुका है। अब इसमें समय आ गया है जो हमने गाजर बॉईल करके रखा था, अब हम उस गाजर को इसमें डालेंगे धीरे धीरे से जले। घी का पता ही नहीं चल रहा है, पर ये पता चलेगा खाते हुए, क्योंकि जब अच्छी खुशबू आएगी और साथ में टेस्ट बनेगा तो आप लोग सोचेंगे हाँ घी यहाँ काम आया है। तो हम इसे थोड़ा सा इसी तरह से चला चला के पकाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं गाजर का बहुत अच्छा कलर आ चुका है, पर हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे ही चलाता रहना है। और इसे चलाने से क्या होगा कि हमारा गाजर सूख जाएगा और अच्छा टेस्ट देगा। तो मैं आपको फिर थोड़ी देर में अब हम मिलता हूँ। इसमें 1 गिलास दूध ऐड करेंगे। ये ऑप्शन है, आप ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी। जिसको थोड़ा सा ड्राई चाहिए वो दूध ऐड ना करें, जिसको थोड़ा गिलगिला लटपटा चाहिए हो वो इसमें दूध ऐड कर सकता है। और अब इसको आराम से हम पकने देंगे, थोड़ा और पकाएंगे, फिर हम इसे धीरे धीरे आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या हम इसमें और चीज़ें ऐड कर। देख सकते हैं दूध डालने के बाद हमने इसे और पकाया है, वो इसका कलर इस तरह से आ गया। अब हम इसमें खोया डालेंगे जो हमने मार्केट से लाया है, और आप लोग इस खोया को घर में भी बना सकते हैं, बट मैंने मार्केट से लाया है। और अब हमने इसमें खोया डाल दिया। इसको फिर से हमें थोड़ी देर तक इसी तरह से चलाना है, देन आपको फिर हम बीच बीच में ऐसे ही बताते रहेंगे। इस तरह से पक गया है, आप लोग देख सकते हैं। और यदि आपके गाजर मीठे नहीं हैं और आपको थोड़ा मिठास और चाहिए तो आप लोग चीनी ऐड कर सकते हैं। मैं 2 चम्मच चीनी ऐड करूँगा क्योंकि मुझे गाजर का हलवा स्वीट ज़्यादा पसंद है। तो आप अपने अनुसार जितना आपको मीठा लेना हो उतना चीनी ऐड कर सकते हैं, और यदि आपका गाजर मीठे हैं तो आप मत करना ऐड। बाकी आप देख सकते हैं इसको इसी तरह से चला के धीरे धीरे चलाते रहना है। फिर हम इसमें अभी कुछ और भी ऐड करेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारा हलवा नीचे लगने लग गया है थोड़ा, यानी कि हमारा हलवा तैयार होने को आ गया है। तो अब फाइनल स्टेज की बारी आ गई है जिसका आप सभी को इंतज़ार है, यानी कि ड्राई फ्रूट्स डालने का। और ड्राई फ्रूट्स आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, आपको क्या क्या चाहिए। मैं काजू, बादाम और किशमिश डाल रहा हूँ। आप अपने टेस्ट, स्वाद और जेब के अनुसार ही डालें। और अब हम मिलते हैं थोड़ी देर में प्लेटिंग के सभी लोग में। देख सकते हैं हम प्लेटिंग तक पहुँच गए हैं। थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर लेंगे, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, टेस्ट में तो बहुत बढ़िया है। जब आप खाओगे, बनाओगे, मुझे कमेंट करोगे तो मैं तभी जान पाऊंगा कि आप सभी इन लोगों ने गाजर का हलवा बनाया है। और थोड़ा सा हमने इसमें घी ऐड कर दिया है, बाकी आप अपने आप भी डाल सकते हो। तो आप लोग बता सकते हैं कि कैसा हलवा बना है कमेंट में। तो
गाइस मिलते हैं हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और ऐसे ही प्यार बनाते रहिए चैनल पे, और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में सभी लोगों को शेयर करें। हर हर महादेव।